दोस्तों, यदि आप अपने मकान का काम करने जा रहे हैं या मकान बनाने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि यदि हम अपना घर मजबूत बनाएं, तो जाहिर सी बात है कि आपको मटेरियल अच्छा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि घर का काम एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको घर में लगने वाली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ईंट या ब्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं, और इस ब्रिक को कैसे पता करेंगे कि यह अच्छी या मजबूत ईंट है। तो दोस्तों, मैं हूं राम सिंह तोमर और आप देख रहे हैं एस आर हाउस वर्किंग ब्लॉग। तो दोस्तों, जो लोग इस वीडियो में नए हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पूरी कोशिश मैं करता हूं कि आपको नॉलेजफुल वीडियो दे सकूं। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं ब्रिक का टेस्ट कैसे किया जाता है और कितने प्रकार से हम इसका टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक मजबूत ईंट का टेस्ट कैसे किया जाता है, इसको हम कुछ टिप्स में बता सकते हैं आपको। जैसे पहला होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इस परीक्षण में 5 ईंटों को लिया जाता है और परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में लाया जाता है। एक ईंट का नमूना क्रशिंग मशीन पर रखा जाता है और फिर इस पर प्रेशर पूरी तरह से दिया जाता है जब तक ईंट टूटती नहीं। अधिकतम प्रेशर जब तक ईंट पर दरार शुरू होती है वह नोट किया जाता है, और सभी 5 ईंटों के साथ एक एक बार परीक्षण किया जाता है और औसत परिणाम को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट या क्रशिंग स्ट्रेंथ रूप में माना जाता है। वाटर ऑब्जर्प्शन टेस्ट, जल अवशेष परीक्षण। इस टेस्ट में ईंट को पहले सूखी ईंट को वजन किया जाता है, फिर उसके बाद 24 घंटे के लिए पानी में डुबा कर रखा जाता है, फिर गीली ईंट का वजन किया जाता है। और तीसरा है इम्पैक्ट टेस्ट प्रभाव परीक्षण। इस परीक्षण में ईंट को 1 मीटर के ऊपर से गिराया जाता है। यदि ईंट टूट जाती है तो यह कम गुणवत्ता वाली ईंट मानी जाती है और निर्माण कार्य के लिए यह सही नहीं होती, क्योंकि मजबूत ईंट बिल्कुल भी नहीं टूटती। इन दोनों के वजन को प्रतिशत के रूप में देखा जाता है। यदि ईंट कम पानी पीती है या खपत कम कर रही है तो इस ईंट को बेस्ट क्वालिटी को दर्शाता है, और यदि वह अपने वजन से 20% से अधिक पानी को अब्जॉर्ब कर नहीं करता है तो समझ जाना कि वह एक अच्छी क्वालिटी की ईंट है। चौथा है साउंडनेस ध्वनि परीक्षण। इस परीक्षण में 2 ईंट को एक दूसरे से टकराते हैं। यदि वे एक दूसरे से स्पष्ट या कठोर धातु की आवाज़ का उत्पादन करते हैं और अखंड आवाज़ करती है तो समझ लीजिए कि वह ईंट पक्की है, वह एक अच्छी गुणवत्ता वाली ईंट होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगला वीडियो कोई नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। और दोस्तों, यदि कोई यह वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी ऐसे नॉलेजफुल वीडियो आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।